अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं। साथ ही फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा ने रोमांटिक फिल्मों का एक दौर बॉलीवुड को दिया है। 1976 में बनी कभी कभी उन्हीं फिल्मों में से एक थी। यह मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें अमिताभ के साथ राखी, शशि कपूर, नीतू सिंह, ऋषि कपूर नजर आए थे। आज इस फिल्म को रिलीज हुए 44 साल हो गए हैं। इस फिल्म से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिससे आप जरूर रूबरू होंगे, लेकिन कई किस्से ऐसे भी हैं जिनकी जानकारी शायद आपको ना हो। आइए जानते हैं। 27 जनवरी 1976 में रिलीज हुई फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन के माता पिता हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन भी नजर आए थे। फिल्म में शादी के एक सीन में इन दोनों को देखा जा सकता है। फिल्म में ये दोनों राखी के माता पिता के रोल में थे। फिल्म के निर्माता गुलशन राय को यकीन था कि यह फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन थे जो उस समय एक्शन फिल्में कर रहे थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का रोल रोमांटिक था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यश चोपड़ा को इस फिल्म का कॉन्सेप्ट अपने दोस्त और गीतकार साहिर लुधियानवी की कविता कभी कभी पढ़कर याद आया। यश चोपड़ा इस फिल्म के गाने मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कंपोज कराना चाहते थे, लेकिन साहिर लुधियानवी को लगता था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनके गीतों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आखिरकार खय्याम ने फिल्म के लिए खूबसूरत संगीत दिया। खय्याम ने सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था, जबकि फिल्म के गीतकार साहिर लुधियानवी ने कभी कभी मेरे दिल में के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार जीता था। वहीं गायक मुकेश को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए पुरस्कार भी मिला। फिल्म में अमिताभ की किताब जो कभी कभी के नाम से पब्लिश होती है, दरअसल वो साहिर लुधियानवी की कविता है। यश चोपड़ा ने इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर में की थी। फिल्म के स्टार कास्ट का पूरा परिवार इस दौरान कश्मीर में रहा था। ये फिल्म यश चोपड़ा के बेहतरीन अनुभव वाली फिल्म थी। इस फिल्म से पहले अमिताभ की इमेज एंग्री यंग मैन वाली थी, लेकिन इस फिल्म के सक्सेस के बाद उन्हें रोमांटिक हीरो के लिए भी कास्ट किया जाने लगा। फिल्म की कहानी में राखी और अमिताभ बच्चन प्यार करते हुए भी एक दूसरे से शादी नहीं कर पाते हैं। दोनों की शादी कहीं और हो जाती है। यश चोपड़ा फिल्म में ऋषि कपूर के ऑपोजिट पहले परवीन बाबी को लेना चाहते थे, लेकिन बाद में ये रोल नीतू सिंह को मिला। इसी फिल्म के दौरान ऋषि कपूर और नीतू सिंह का अफेयर भी शुरू हुआ। इतना ही नहीं, कई सालों बाद राजेश खन्ना ने दावा किया था कि इस फिल्म में लीड रोल यानी अमिताभ बच्चन की जगह वो यश चोपड़ा की पहली पसंद थे। हालांकि किसी कारणवश ये फिल्म उन्हें नहीं मिल पाई। amarujala.com अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।